अस्सलामु अलैकुम। मुहम्मदी उर्दू प्राइमरी स्कूल जमात चारों माहौल का मुताला दो सबक नंबर 7 स्वराज की बुनियाद। पिछले सबक में बच्चों आपने देखा था किस तरह रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वराज कायम करने का अहद किया, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। उस जमाने में दिल्ली के मुगल बादशाह, बीजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तगीज और जंजीरा के सिद्दी, ये 4 ताकतें महाराष्ट्र पर हुकूमत कर रही थी। इन ताकतों का दबदबा इतना था कि कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन शिवाजी महाराज का स्वराज कायम करने का इरादा अटल था। शिवाजी महाराज की जागीर में पूना, सोपा, चाकन, इंदापुर के परगने शामिल थे, लेकिन जागीर में मौजूद किले अब भी बीजापुरपुर के दरबार के अहदेदारान के कब्जे में था। शिवाजी महाराज सोचते थे कि किलों के बगैर स्वराज कायम करना मुमकिन ना था, क्योंकि उस वक्त समझा जाता था कि जिसके कब्जे में किला होता, आसपास के इलाके भी उसकी हुकूमत हुआ करती थी। इसलिए शिवाजी ने किसी मजबूत किले पर कब्जा करने का इरादा किया। उनके नजरों के सामने तोरना किला था। तोरना किला पूना के जुनूब मगरिब में 64 किलोमीटर के फासले पर कांत घाटी में वाक़े था। किले पर जाने के लिए झुंझार और बुदला नामी दो खतरनाक पगडंडियां थी। झुंझार पगडंडी यानी खतरनाक रास्ता, जिस पर चलते वक्त जरा सी गलती से इंसान फिसल कर नीचे खंदक में गिर सकता था। शिवाजी महाराज ने तोरना किले पर कब्जा करने का इरादा किया। उस वक्त के तोरना किले पर आदिल शाह की ज्यादा तवज्जा नहीं थी, ना ही ज्यादा पहरेदार थे और ना ही किले पर ज्यादा गोला बारूद थे। शिवाजी ने तानाजी माला सूर्य की मदद से किले पर कब्जा किया, किले की मरम्मत शुरू की। किले की मरम्मत के दौरान शिवाजी महाराज को मोहरों से भरे हुए 4 गढ़े मिले, जिसके इस्तेमाल उन्होंने किलों की दिगर तामीर के लिए किया। और शिवाजी महाराज ने एक और किले की मरम्मत करवाई, जिसका नाम राजगढ़ रखा गया। राजगढ़ आगे जाकर स्वराज की राजधानी बना। राजगढ़ का किला स्वराज की राजधानी बन गया और शिवाजी महाराज के इस बात से उनके दुश्मन परेशान हो गए, उनसे हसद करने लगे और उन्होंने आदिल शाह के पास जाकर शिवाजी महाराज की शिकायत कर दी। दिलशाह हैरान रह गए। उन्होंने शाहजी से इस बारे में पूछा। शाहजी ने बात को निभाने के लिए आदिल शाह को जवाब दिया कि जागीर की हिफाजत के लिए शिवाजी राजा ने किले पर कब्जा किया होगा। शिवाजी महाराज ने अपना एक कासिद आदिल शाह के दरबार में रवाना किया और कहलवाया कि जागीर के बेहतर इंतजाम के लिए और आदिल शाह की भलाई के लिए किला हासिल किया गया है। शिवाजी महाराज ने कोंडाना और पुरंदर जैसे दो अहम किलों पर भी बड़ी होशियारी से कब्जा कर लिया। तो देखा बच्चों, किस तरह शिवाजी महाराज ने अपनी बहादुरी और चालाकी से किलों पर कब्जा किया और स्वराज को मजबूत बनाया। शुक्रिया।